बनाए बाबू राधे कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं तो आज हम काजल बनाना बताएंगे काजल कैसे बनाते हैं काजल जैसे पहले हमारे मम्मी ये अनार की पत्ती और अमरूद की पत्ती और पता नहीं ये इसकी नींबू की पत्ती यह सारी पत्ती ला के और फिर उसको पीस के जैसे हाथ से ही निचोड़ती थी नहीं तो पीस के हल्का सा उसका जूस निकालती थी और उसका जूस निकाल के और जैसे रुई की बत्ती होती है रुई की बत्ती को उसमें भिगो के और फिर उसको धूप में सुखा के और उसके बाद में काजल बनाती थी बच्चों के लिए काजल जैसे डॉक्टर लोग तो मना करते हैं लेकिन घर में हम लोग लगाते हैं हमने भी लगाया है बच्चों को काजल ज़्यादा नहीं लगाया लेकिन लगाया है काजल लगाना चाहिए तो बच्चों के लिए काजल जैसे ऐसे मम्मी ऐसे बना दी लेकिन ऐसे भी बना सकते हैं और सबके हाथ से काजल लगता भी नहीं है और सब लोग बना भी नहीं पाते हैं तो जैसे हमने एक दो बार बनाया बचपन में ही बनाया छोटे थे तभी बनाया था जैसे मम्मी अम्मी को देखते थे तो हमारे हाथ से काजल बहुत अच्छे से लगा तो वही काजल हम आप लोगों को बताएँगे दिखाएँगे कि कैसे बनाते हैं वो उसके लिए मिट्टी का बर्तन लेना है उसी में काजल बनाना है तो उसके लिए हम आप लोगों को आज दिखाएंगे और सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छा बनता है तो काजल का पूरा प्रोसेस आप लोग के साथ शेयर करेंगे राधे राधे कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं तो आज हम बना बनाने जा रहे हैं काजल तो काजल के लिए एक ये जो दियली है ये हमने कोरी ले ली मतलब इसको यूज नहीं किया था एक ये है ये इसमें दीपक जलाते हैं तो इसको ले लिया है ये बड़े वाली दियाली हैं जिससे बड़ा वाला जो आता है तो वही वाली है तो हमारे पास आज रुई नहीं थी तो ये घी की जो बत्ती ले आते हैं दुकान से बनी बनाई वही बत्ती को तोड़ लेंगे और ये हाँ जोड़ा ही बनाया जाता है लंबी वाली बत्ती जब बनाते हैं तो इसको दो बनाते हैं तो एक ये बत्ती बना के तैयार कर ली और एक और बना लेंगे और इसके बाद में इसमें डालेंगे तेल काजल जो है घर का अच्छा होता है और घर में काजल अगर बना के लगाएंगे बच्चों को तो आंखें अच्छी रहती हैं हम लोग भी लगा लेते हैं तो जैसे आंखें साफ हो जाती हैं एकदम आज आंसू निकल जाते हैं काजल लगाएंगे तो उससे फिर आंखें साफ हो जाती हैं और अच्छा भी लगता है लेकिन जिसकी आदत पड़ी होती है डेली काजल लगाने की तो वही डेली लगा सकता है सब लोग नहीं लगा सकते तो यहाँ पे हमने ले लिया तेल ये सरसों का तेल है हमारा घर का बना हुआ और तेल अच्छा ही लें अगर आपके घर में नहीं है तो कहीं से बदल के ले लें जैसे जिसके घर में सरसों का पिर के जैसे चक्की से वहाँ से निकलवा के लाते हैं तो वही वाला तेल लें उसके बाद में जो यूज नहीं किया हुआ जो था जो दियाली तो उसको रख दिया देखिए ये लगने लगा है और सबसे ये काजल भी नहीं लगता है कुछ लोग जैसे काजल रात भर रखे रहें दिन भर रखे रहें लेकिन उनका लगता नहीं है और हमारा काजल बहुत अच्छे से लगता है मम्मी भी बनाती थी तो हमें बोलती थी कि जैसे काजल और इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आधा घंटे के लिए एक घंटे के अंदर ही अंदर ही, इसको देख लेंगे क्योंकि काजल फिर इतना ज़्यादा हो जाएगा करेंगे क्या क्योंकि बच्चे अब लगाते नहीं हैं पहले भी नहीं ज़्यादा लगाते थे लेकिन यह है कि बचपन में छोटे छोटे थे तो हम लगा देते थे इनके सबके तो ये काजल हमारा बन के तैयार हो गया उसको जैसे चम्मच या चिमटे से ऐसे खुरच लेंगे इस तरीके से निकाल लेंगे इतना काजल हमारा बहुत हो गया अगर एक घंटे डेढ़ घंटे रहने देते तो ये जो सुत्ता है ये भर जाता तो इतना ही बनाया है क्योंकि ज़्यादा कोई फायदा नहीं है इसी को भर के रख लेंगे तो और थोड़ा सा ये देसी घी लिया है गाय का घी है तो इसी में काजल बनाएंगे तो इस तरीके से अच्छे से इसको कुछ लोग बिक्स में भी काजल को जैसे इस तरीके से इसमें मिक्स करते हैं लेकिन उससे ना आंखें अच्छे से साफ़ हो जाती हैं लेकिन हम ये घी से ही बना रहे हैं तो इस तरीके से उंगली की सहायता से चारों तरफ से ये इकट्ठा करके और इस तरीके से इकट्ठा कर लेंगे छोटी सी डिब्बी आपके पास है या कोई विक्स की डिब्बी आती है विक्स की नहीं है कोई भी डिब्बी में इस तरीके से बना के और भर के रख सकते हैं ये इतना काजल जब बनाया है हमने ये सालों चलेगा जब बच्चों को लगाएंगे तो सालों खत्म ख़त्म नहीं होता है तो ये काजल हमारा बन के तैयार हो गया और ये इसको हमने इकट्ठा भी कर लिया और इसको भर के रख लेंगे क्योंकि तो किसी जैसे कोई छोटे बच्चे जिनके यहाँ होते हैं तो कुछ किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो भी ए, काम में आ जाएगा तो देखिए काजल हमारा बनके तैयार हो गया और देखो कितना अच्छा लग रहा है जो मार्केट से लाते हैं काजल उससे तो बहुत अच्छा है तो इस तरीके से ये देखिए और सोनू के लगा दिया था हंसी हंसी में तो इन लोगों के ऐसे काजल लगाया कि ये सब हंस रहे थे सब पूरा घर देख देख के और सोनू बैठे हैं कि यहाँ काजल बनाया तो उसको लगा भी दो तो हमने कहा चलो लाओ लगा दें और ये हमने हंसी मजाक के पीछे लगाया इनके ऐसे काजल ये सब लोग देख के हंसेंगे खूब सब हंसे ये देखो पूरा इनका मुंह पोत दिया इन लोगों ने धुला जाके साबुन से